माई चैनल विच इज़ बीकानेरी स्वाद एंड ब्लॉग्स बाय भूमिका राठौर। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर, मेरे इस नए ब्लॉग पर। आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो जयपुर में रहना चाहते हैं, जयपुर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पीसफुल जगह पर रहना चाहते हैं। तो उनके लिए आज एक विला हम लेकर आए हैं। वो विला आप विजिट करिए मेरे साथ, एंड तक देखिएगा क्योंकि विला देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ऐसी ही एक वीडियो मैंने लास्ट बनाई थी जिसका जो लिंक है मैं ऊपर यहाँ पर फ्लैश कर दूंगी, यहाँ पर आई बटन में दे दूंगी, उसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस विला की वीडियो पर चले जाएंगे। वो भी विला बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, उसमें आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। उसका लगभग आई गेस 80,000 से ऊपर उसके व्यूज़ गए हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज आई है, बहुत सपोर्ट मिला है। तो उसी तरीके से इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा शेयर करें, जो भी जिन्हें भी नीड है, जो भी जयपुर में रहना चाहते हैं, जो भी विला लेना चाहते हैं, जो भी एक अच्छी प्रॉपर्टी में रहना चाहते हैं, तो आप उन्हें ये वीडियो को फॉरवर्ड करें। और जितनी जो डिटेल्स है मैं सारी कोशिश करूंगी कि आपको इस वीडियो में मिल जाए, और नंबर्स जो है वो मैं यहाँ पे नीचे फ्लैश कर दूंगी, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट से आपको फुल्ली असिस्टेंस 100% श्योर आपको मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपको अच्छे से पूरा प्रॉपर्टी विजिट करवाएंगे, सारी डिटेल्स देंगे और जितना हो सकता है आपके बजट में उस चीज़ को प्रोवाइड कराएंगे। सो बिना किसी देरी के विला में अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आई एम पंकज शर्मा। मैं पुष्पेंद्र सिंह, आप मेरे को शायद जानते होंगे, कई वीडियो में देखा होगा। आइए आइए, इसकी जो विला है इसकी एंट्रेंस आपने देखी ली, यहाँ से घुसते ही सबसे पहला जो रूम आएगा ये हमारा ड्राइंग रूम है। आइए ड्राइंग रूम दिखाइए। ड्राइंग रूम का जो साइज है वो 13x13x12 फीट का जो ड्राइंग रूम है। और इसमें जो ये फर्नीचर दिख रहा है ये साथ में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि क्या साइज का फर्नीचर आ सकता है। 3x3 सीटिंग यहाँ होगी, 3x3 मतलब लगभग 9-10 जनों का आराम से, बहुत अच्छा डिसेंट साइज है। और टीवी यूनिट भी यहाँ लगी हुई है तो उससे आपको स्पेस का आइडिया हो जाएगा। ईस्ट फेसिंग ये विला है और इस विला का जो साइज है वो है 25x55 यानी 152 गज, 2300 स्क्वायर फीट में काम होता है। और जो इसका कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो है 2300 स्क्वायर फीट अप्रोक्स। सो बेसिकली ये है कि ये विला फर्निश करके आप लोगों ने एक सैंपल तैयार किया, सैंपल तैयार किया ताकि आप लोगों को पता लग जाए आप कैसे अपना किस हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। सो ये अपने से सेट किया हुआ है। अगर फर्निश करवाना चाहें तो हम फर्निश भी करवा के दे सकते हैं, उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा होगी। अच्छा, हमसे भी करवा सकते हैं, बाहर से भी करवा सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आइए। सो ये ड्राइंग रूम हो गया, ड्राइंग रूम के बाद ईस्ट फेसिंग देखता हुआ है तो ईस्ट फेसिंग के अंदर फ्रंट में किचन है इसकी, जो साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए। साउथ ईस्ट में किचन है, किचन का साइज कितना सी बताएं, ये है 10x12 फीट की, 10x12 की किचन है, फुल्ली मॉड्यूलर किचन है। किचन के अंदर चिमनी और सिर्फ ऊपर का मोड़ में मिलेगा, सेमी फर्निश्ड के अंदर चिमनी नहीं मिलेगी आपको, चिमनी इसके अंदर नहीं मिलेगी, बाकी नीचे का फर्नीचर बना हुआ है, ऊपर का बॉक्स ये आपको मिलेगा, ये किचन मिलेगा, गीजर मिलेगा, गीजर दिखा दीजिएगा, गीजर मिलेगा, चिमनी नहीं मिलेगी, ऊपर का ये कैबिनेट्स मिलेंगे, नीचे के कैबिनेट्स सारे कंप्लीट मिलेंगे और सॉफ्ट क्लोज है सारे, अच्छी हेटिक कंपनी की जो है चैनल्स वो लगी हुई है, अच्छी कंपनी का सब सिस्टम है, सारा काम ब्रांडेड है, कोई भी चीज लोकल नहीं लगी हुई है और सारे सॉफ्ट क्लोज है। और जो फिटिंग्स लगी हुई है वो सारी जैगवार की लगी हुई है, चाहे बाथरूम में लगी हो चाहे किचन में लगी हो, सब जगह फिटिंग्स जो आएंगी, सैनिटरी की जो फिटिंग्स है वो सारी जैगवार की है। रोशनी पूरी आएगी, ईस्ट फेसिंग वैसे भी रोशनी अच्छी आती है, और जो विला है सामने आमने सामने बने हुए, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग विला है, साउथ और नॉर्थ हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में ये आ गया आपका डाइनिंग स्पेस, डाइनिंग स्पेस में हमने 6 चेयर का एक सैंपल लगाया हुआ है, तो इसको आप 8 चेयर का भी कर सकते हो, 6 का भी कर सकते हो, 4 का भी लगा सकते हो। 10x13 फीट का ये पर डाइनिंग एरिया है, 10 फीट यू है, 13 फीट यू एरिया है, ये अपना आपका इनिशियल आइडिया दिया है। इसके बाद में जो है इसमें आपको ऊपर फॉल सीलिंग मिलेगी, फॉल सीलिंग भी है, फैन लगे हुए, लाइट लगी हुई है, लाइट्स आपको साथ में आएंगे, फैंस आपको साथ में आएंगे। ये जो विला है ये सैंपल विला है, इसमें सैंपल फर्नीचर दिया हुआ है, तो ये चीज दोबारा आपको अपने हिसाब से डिजाइन करवा लेंगे, वो अपने हिसाब से डिजाइन करवाए, ठीक है। उसके बाद में ये फर्स्ट मास्टर बेडरूम है जो नीचे वाला, बंदर के लिए भी आएंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, इसी जो डोर की हाइट लगी हुई है वो सब डोर जो है 8 फीट की हाइट की डोर है, देखिए ये 8 फीट है, मेरी जो हाइट है वो 6'1" है, और आप देख लीजिए कितना गेट है, हाइट देख लीजिए, बहुत शानदार हाइट दी गई 8 फीट की। और इसकी जो साइज है रूम की ये है 12x16 का रूम जो है, ये मास्टर बेडरूम है, इसमें अटैच अपना रहेगा ड्रेसिंग एरिया, वॉशरूम एरिया वगैरह। आप इधर से एक बार तो आपको दिखाइए मैम, एक बार रूम के अंदर इतना स्पेस है कि एक पूरा डबल बेड आ गया किंग साइज का, इसके अलावा आपका उसमें स्टडी टेबल आ गई, चेयर आ गई,
टीवी यूनिट आ गई और साइड टेबल्स आ गई दोनों तरफ और काउच आ गया। आप यहाँ पे काउच भी लगा सकते हैं, बड़ा हमने छोटा लगाया, आप बड़ा भी लगा सकते हैं। इसको यहाँ से व्यू दिखाया मैम, आप यहाँ से खड़ोगे। रूम में प्रॉपर लाइटिंग है, किचन में प्रॉपर लाइटिंग है, प्रॉपर वेंटिलेशन है। अच्छा, इस ईस्ट वाले फेसिंग की विला की खास बात ये है कि पीछे पब्लिक यूटिलिटी है। हाँ, पीछे ओपन लैंड, ओपन लैंड है पूरी ये वाली, और उसमें जो एनी टाइम ओपन रहेगा अपना। इसके अंदर पीछे कभी मकान नहीं बनेंगे, पीछे पूरा जो है ये पार्क के यूज में आएगा। पीछे वाली लैंड अपनी लैंड है, बाउंड्री वॉल से अंदर वाली। अब मैम आइए अंदर, ये वॉशिंग एरिया हो गया, वॉशिंग एरिया ठीक है। वॉशिंग एरिया में वॉशिंग मशीन का पॉइंट दे दिया है, काफी अच्छा स्पेस है, वॉशिंग अच्छा स्पेस है। देख लीजिए ना आप, ये देख लीजिए, लगभग ये 6 फीट ये है और लगभग लगभग 16 फीट 16-17 फीट ये लंबाई। और सारे वो ऑप्शंस आपको दिए हुए फिटिंग्स वगैरह के। हाँ, फिटिंग्स के सारे ऑप्शन है। चाहिए आप जो विंडो लग रखी है, ये विंडो एलो एलो कंपनी की, जो जर्मन कंपनी है उसकी है ये विंडो, ये एलो ब्रांड है। सारी फिटिंग्स ब्रांडेड है, सारा ब्रांडेड है। अगर इसकी बात करें तो इसकी भी कॉस्ट हाई जो आ जाती है। ब्रांड्स देख लीजिए, आपको ब्रांड्स बता देते हैं। ब्रांड्स देखो, एशियन पेंट्स का कलर आ जाएगा, हेवल्स जो है स्विचेस और विप्रो के स्विचेस यूज किए गए, पॉलीकैब का वायर यूज किया गया है, और एंकर जो है पैनासोनिक, इसके भी हमने स्विचेस कई जगह यूज किए हैं, और जैगवार की टोटल सैनिटरी फिटिंग आएगी, फिनोलेक्स का भी वायर हमने यूज किया है, सेरा की टाइल है, ग्रोए की भी हमने, कई जो विला है हमारे उनके अंदर जैगवार की जगह ग्रोए भी हमने यूज किया है, और केबल में हमारे पास में ऑप्शन आ गया, हेवल्स आ गया, आरआर आ गया और पॉलीकैब आ गया, तीनों के हमने वायर यूज किए हैं। उसके बाद में रोका जो ये कंपनी आती है, इसके स्विचेस हैं जो प्रीमियर स्विचेस हैं, कई जगह फिटिंग सारी ब्रांडेड है, उसकी सोचने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग लाइफ चलेगा। इसके अलावा हमने किसी भी ब्रांड को यूज नहीं किया, इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, सारा ब्रांडेड है। न्यूरोलैक आ गया कलर में, एशियन पेंट्स और न्यूरोलैक का हमने कलर यूज किया है। आइए, और जो टाइल का जो साइज है वो मतलब अल्टीमेट साइज है, 8x4 की हमने टाइल यूज की है। ये जो है ये बाथरूम और ड्रेसिंग एरिया अटैच है। ये इसका कॉमन वॉशरूम आ गया, 5x9 का वॉशरूम है, 5x9 का वॉशरूम है। इसमें मुझे शावर का है, खाली स्पेस दे दिया है। ये अपना हो गया स्टोर रूम, स्टोर के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे आप अपना जनरेटर हो गया या कुछ भी चीज है अपनी, इन्वर्टर हो गया आपका, किचन में कोई सामान हो गया, सिलेंडर हो गया, कुछ भी हो गया, वो आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। आप आइए ऊपर, ये जो वुडन की रेलिंग है इसके अंदर अपन टफन ग्लास लगाए हुए हैं और नीचे ग्रेनाइट लगा हुआ है। अब जैसे अपन चल रहे हैं ऊपर, आइए, ये पूरा चल रहा है, एसएस के पूरी फिटिंग है इसके अंदर, एकदम बिल्कुल क्लीन कट में है। और ये जो अपन ने एक चीज दिया है इसके अंदर, ये वाला जो एरिया पूरा, ये जो पूरा एरिया है शाफ्ट है, ये शाफ्ट एरिया है, जैसे कोई भी लीकेज होता है, एसी लीकेज, पानी लीकेज, सीवरेज वगैरह कोई भी लीकेज होता है, फॉल्ट यहाँ से अपन को पता लग जाता है। तो यहाँ से ये पूरा ओपन हो जाता है, उसके बाद में यहाँ से अपन उसको रिपेयर कर सकते हैं। आइए, अब इसके अंदर सेकेंड मास्टर बेडरूम आ गया ऊपर वाला, इसकी साइज भी अपने पास आएगी। आप आइए, मैं बता रहा हूँ आपको साइज इसकी क्या रहेगी। इसकी जो साइज है ये भी 16x12 का एक मास्टर बेडरूम है, इसके इसमें भी 8x4 की टाइल लगी हुई है। आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि ये टाइल्स हैं, आपको लगेगा जैसे ग्रेनाइट है। आप देखिए टाइल, ये 8x4 की टाइल लगी हुई है, और इसका व्यू मैं वहां से अपलोड है, एक बार वहां से जो दिखाएं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का सारा काम है। ये अपना जो रूम है, ये 16x12 का एक मास्टर बेडरूम है, ये सेकंड मास्टर बेडरूम है, एक नीचे था एक ऊपर है। अब इसकी जो टाइल लग रखी है, इसके अंदर 8x4 की टाइल लग रखी है, और जैसे अपन ने ओपन किया है इसका पीछे की ये, आओ इसके अंदर ये देखिए पीछे की बालकोनी जो इसकी है, इसकी जो बालकोनी है ये जो अपना दिया हुआ है 2.5x16 का, ठीक है, ये अपना छोटा सा ओपन स्पेस दिया हुआ है यहाँ बैठने के लिए। और ये अब जो पूरा जो एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है, ये एक पार्क के यूज़ में आएगा पूरा एरिया, जो उसके पीछे कभी मकान नहीं बनेंगे मकान, और यहाँ पर पीछे तरफ मकान बनेंगे। तो ये इसका एडवांटेज है कि यहाँ पे लाइफ टाइम खुला रहेगा, लाइफ टाइम खुला रहेगा। मेरे पास मात्र 4-5 विला बचे हैं, बाकी सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। आइए, ये इसके अंदर अपना ड्रेसिंग एरिया हो गया, सेम वही नीचे था अभी ऊपर है, सेम वही शावर वगैरह, वही अपने वार्डरोब, इसके अंदर अपन अच्छे से कैसे डिजाइन करवा सकते हैं।
आइए अभी अपन हॉल में आ गए। हॉल का व्यू देखो आप यहाँ से क्या जबरदस्त आ रहा है। इसमें लाइट चलाने की जरूरत नहीं है, ये जो लाइट जल रही है ये मॉम लाइट है। और देखो आप बिना लाइट के इतना बड़ा रोशनी दे रहा है क्योंकि आगे से भी अपना सेंटर ओपन रहेगा और पीछे से लाइट टाइम ओपन है ही, तो उसमें वेंटिलेशन की तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये जितना अपन दिखाया इसके अंदर इतना ओपन है और दो खुला खुला लग रहा है। नीचे किचन थी, ऊपर किचन नहीं है, तो पूरा हॉल अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया है ना। यहाँ पे भी बालकनी का प्रोविजन 20 फीट बाय 12 फीट का हॉल है ये अपना। 20 फीट बाय 12 फीट का ये पूरा हॉल है। ये जो कॉपी नहीं है कोई भी, इसकी ये फर्न जो है मास्टर बेडरूम सेकंड दिखा दिया आपको। आइए बताइए, ये थर्ड मास्टर बेडरूम है। ये सभी बेडरूमों में सबसे बड़ा रूम यही है, ठीक है। 13.5x12 इसका साइज है और इस ये ईस्ट फेसिंग आई गया, समझ गए होंगे आप। हाँ। और साथ में इसमें अटैच लाइट बाथ, मतलब सारे जितने भी बेडरूम्स है सब में अटैच लाइट बाथ है। उसके अलावा एक कॉमन वॉशरूम अलग से है, तो टोटल हमारे पास में इसमें बेडरूम्स आ गए 4। हाँ। वॉशरूम 4 आ गए, 3 बेडरूम आ गए, एक अपने ड्राइंग रूम निकाल लिया, इसलिए 3 बेडरूम है। अगर ड्राइंग रूम नहीं निकालते तो ये अपना 4 बेडरूम वाला अपना एक विला तैयार होता है। अब इसके अंदर आप इस रूम के अंदर देखिए आप इस पूरे रूम के अंदर पूरी वार्डरोब वगैरह नहीं है इसमें। क्या ये सैंपल विला है अपना, आप वार्डरोब वगैरह नहीं है, इसलिए भी आप वार्डरोब वगैरह यहाँ बनाना चाहो तो आप बनवा सकते हो। हमने इसके अंदर बनाया नहीं है, ठीक है, ये हमने ऑप्शनल छोड़ रखा है अभी क्योंकि डेमो सैंपल विला है। सैंपल विला के अंदर हमने जितना हो सकता था हमने वो बनाया, उसके अलावा कुछ नहीं बनाया। आइए मैम, अब इसकी जो ऊपर की जो बालकोनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आगे की बालकनी है, ये फ्रंट का जो बालकनी है अपना, ये 6x12 फीट की है, तो 10 फीट की है ये, 6x10 की। और ये पूरा अपना जो है, अच्छा ये 30 फीट रोड पे विला है, पर इसका जो व्यू है वो 50 फीट वाला आएगा। आप देखिए तो 10 फीट का अपने ये पार छोड़ा हुआ है, 10 फीट की वो लेंथ छोड़ी हुई है, 30 फीट की ये टोटल मिला के एक विला से लेके दूसरे विला में जो डिस्टेंस आ रहा है वो 50 फीट का डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप देखो एक छोटी मिनी कार वहाँ खड़ी हुई है, हाँ हर विला के देखो ये 10 जो भी ये है ये एरिया है ये वाला, उसमें एक छोटी मिनी हैचबैक कार आराम से वहाँ खड़ी होगी। उसके बाद सेडान लिया हो, एसयूवी लिया हो या स्कूटी लिया हो अपनी, सारी गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाएगी। टैंक वहाँ बना हुआ है इसके अंदर बुद्धा के पास में, ये 5 लाख लीटर का टैंक नीचे है, 2000 लीटर का ऊपर है, टोटल 7000 लीटर का हो गया। 7000 लीटर का टोटल कैपेसिटी है एक विला के अंदर। आइए पूरे में अपने हो रखा है। आइए पिछली जो आपकी हमारी जो वीडियो थी उसको आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और हजारों में व्यूज़ आए हैं और हमारे पास में इंक्वायरी आई है और हमारे पास में कई कस्टमर भी हैं जिनको हमने यहाँ विला दिया, जैसे इनको भी हमने इसी वीडियो के थ्रू विला दिया, इनको भी हमने इसी वीडियो के थ्रू विला दिया है और खूब हमने प्लॉट्स भी इसी वीडियो के थ्रू हमने सेल आउट किए हैं। तो ऐसा ही प्यार दिखाएं और आगे इसको मिलियन से पहुंचाएं और लोगों को शेयर करें और इसको जितना आगे आप फॉरवर्ड करेंगे उतना लोगों को पता लगेगा कितने सुंदर विला है। आप नहीं ले हो तो अपने किसी रिश्तेदार को भेजें, उनको अगर रिक्वायरमेंट हो या किसी को भी रिक्वायरमेंट हो, अपने दोस्त को, फ्रेंड को, किसी को भी रिक्वायरमेंट हो तो आप आगे फॉरवर्ड करें और उनको ये बहुत ही सुंदर विला इसके बारे में बताएं और हमारा सारा मैसेज उनको पहुंचाएं। जिसको भी बिल्कुल पीसफुल एरिया चाहिए, खुला वातावरण चाहिए, उसके लिए बिल्कुल शांत जगह है। 10,000 पेड़ पौधे टोटल टाउनशिप में लगे हुए हैं, आप देखिए इलेक्ट्रीफाई पूरी अंडरग्राउंड है, जियो फाइबर लैंड डली हुई है, एयरटेल फाइबर लाइन है, सिवरेज लैंड लगी है, HGV प्लांट है, क्लब हाउस बना हुआ है, स्विमिंग पूल है, जिम है, बहुत सारी एमिनिटीज़ जो है अपन देने वाले हैं टाउनशिप के अंदर। आप एक बार इसका विजिट कीजिए, नीचे दिए हुए नंबरों पर एक बार कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए। विजिट जो टाइम रहेगा वो सुबह 11 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक है, और फिर भी आने से पहले एक बार मुझे कॉल जरूर करें। जो हमारे व्यूअर्स जयपुर से बाहर से आना चाह रहे हैं तो मुझे एक बार कॉल करें, बताएं मुझे कि एक बार कहाँ पर हो, कहाँ पर क्या है, डिटेल कॉल करके ही टाउनशिप पर आए। नहीं आओगे तो यहाँ पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाला कोई नहीं रहेगा, फिर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आप उसको देख कर और फिर चले जाओगे तो वो आपको आना ही बेकार रहेगा। तो इससे अच्छा है कि एक बार आप आए तो कॉल करके आए, तो उससे क्या है मैं अगर नहीं हूँ आसपास तो मैं आपसे एक्चुअल में क्या है कि गेटेड टाउनशिप है, पहली बात तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी बिना किसी भी हमारे कंपनी के जो
एजेंट्स हैं या जो वर्कर्स हैं या जो एसोसिएट्स हैं उनके अलावा आपको कोई नहीं आएगा, कोई एंट्री नहीं देगा, क्योंकि गेटेड टाउनशिप है और इसमें कम से कम भी नहीं करते आज की तारीख में लगभग लगभग 40 तो गार्ड है और 114 विला है और 400 प्लॉट्स हैं। तो कई प्लॉट्स और उन्होंने अपने मकान बनाने भी स्टार्ट कर दिए हैं। विला का काम आप एक बार देख लीजिए, सारा चल ही रहा है। ये विला रेडी है, ये सामने वाली आप देखो विला के अंदर में बात करो तो आवी बजरी देखो, आवी बनास की बजरी लग रही है। अच्छा, हां मैं एक आपको चीज बताने वाला था, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में बताने वाला था। एक नंबर की तो ईंट यूज हो रही है और एक नंबर की जो बजरी है, बनास की जो बजरी बोलते हैं जयपुर के अंदर, बहुत अच्छी बजरी है जो यूज हुई है। चल रहा है ब्लू काम, उनका चल रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल। और ईंटें जो हैं वो एक नंबर ईंटें हैं कानोता की, और ये भी आप चेक कर सकते हैं। और जो इसके अंदर आयरन जो यूज हुआ है, सरिया जो यूज हुआ है, वो भी कंपनी का है, सारा ब्रांडेड है, TMT सरिया यूज किया गया है। मतलब किसी भी चीज में क्वालिटी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इवन तक आप यहाँ पे देखेंगे, इधर दिखाइए, ये भी सीमेंट ब्लॉक्स की हमने बनाई है, हम ईंटों की बना सकते थे ये, तो ये सीमेंट ब्लॉक्स हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, खूब चलते हैं। और दूसरी चीज की जो पानी का टैंक बना हुआ है वो RCC टैंक बना हुआ है, 5000 लीटर का है, मोटेड फिटेड है, 2000 लीटर का टैंक ऊपर है, टोटल 7000 लीटर पानी हो गया, बहुत होता है एक फैमिली के लिए। 7000 लीटर जो पानी की कैपेसिटी है पर विला रहेगी आपकी। ये मिनी यहाँ पे आप देख रही है जो एरिया है, इसमें आप छोटी अपनी हैचबैक कार यहाँ आराम से खड़ी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है आप वहाँ से दिखाइए, सब मकान सब विला के आगे पेड़ दिखेंगे आपको, एक एक पेड़ सबके आगे लगाएगा, सारे डबल पेड़ है। ये टाउनशिप जो है, ये टाउनशिप है 100 एकड़ में फैली हुई है, और आप इस टाउनशिप की जो लोकेशन है ये महेंद्रा सेज के पास में है, और फुल डिटेल आप इसको इस नंबर पर कॉल करें और प्लीज़ इसकी जानकारी कॉल करके ही ले। थैंक यू।